स्प्रिंग 2017 का क्वेश्चन नंबर 7 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और एरर्स से मिलकर आया हुआ सवाल रिसेंटली पास पेपर्स का हुआ पिछले 5 साल के अंदर अंदर ही है। द फॉलोइंग बैलेंसेस पर्टेनिंग टू फिक्स्ड एसेट्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ स्टार ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। ये जो स्टार ट्रेडर्स था इसका जो ट्रायल बैलेंस बना उसमें ये वैल्यूज आ रही थी। फिक्स एसेट्स एट कॉस्ट 25 मिलियन, उसके जो फिक्स एसेट्स आ रहे थे वो 25 मिलियन की कॉस्ट पर आ रहे थे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 625000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पिछले सारे सालों की डेप्रिसिएशन का टोटल होता है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 125000। इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी कैलकुलेट हुआ हुआ है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट्स 58000। जो डिस्पोजल्स आपने ड्यूरिंग द ईयर किए उस पर 58000 का गेन हुआ। ये वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है प्रिपेयर नेसेसरी एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। अच्छा, एडजस्टिंग एंट्रीज से ऊपर की ट्रांजेक्शन है उसमें, उसकी वजह से जो पास करनी है एंट्रीज वो कहलाती हैं। क्लोजिंग एंट्रीज जो है वो जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंड में सारी चीज़ें ट्रांसफर करते हैं उसको कहा जाता है। 14 मार्क्स का सवाल है तो देखते हैं कि सवाल में क्या एडजस्टिंग एंट्रीज पास होंगी। सबसे पहले लिखता है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज चार्ज्ड फ्रॉम द मंथ ऑफ एडिशन। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज चार्ज्ड फ्रॉम द मंथ ऑफ एडिशन। जब मैंने कोई एसेट जो है वो अपने पास ऐड करा, मैं उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर देता हूँ। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड फ्रॉम द मंथ ऑफ एडिशन टू द मंथ प्रायर टू डिस्पोजल यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट 20% पर एनम। और चार्ज कब तक करता हूँ? चार्ज करता हूँ जो डिस्पोजल का महीना होता है उससे एक महीने पहले तक चार्ज करता हूँ। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करता हूँ, 20% का डेप्रिसिएशन का रेट यूज करता हूँ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द करंट ईयर हैज बीन करेक्टली कैलकुलेटेड एंड रिकॉर्डेड एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग। इस साल के लिए जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है, यानी कि ये जो 125000 रिकॉर्ड किया है, ये एकदम करेक्ट रिकॉर्ड किया हुआ है सिवाय इन चीज़ों के, सिवाय इन बातों के, सिवाय इन मसलों के। मसले क्या हैं? नंबर 1, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट्स कैरिड आउट ऑन 31 दिसंबर 2016 रिवील्ड द फॉलोइंग मैटर्स। सर, फिजिकल वेरिफिकेशन क्या होती है? देखो, एक आपकी बुक्स होती हैं, आप ऑफिस में बैठे हुए होते हो, ऑफिस में अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास बुक्स होती हैं, उसमें वो डबल एंट्रीज पास कर रहे होते हैं। एसी वाले रूम में बैठे हुए हो, टेबल तुम्हारे सामने है, लैपटॉप तुम्हारे सामने है, तुम्हें किसी ने बोला कि कंपनी ने फिक्स एसेट खरीदा है, तुमने डबल एंट्री पास कर दी फिक्स एसेट डेबिट बैंक अकाउंट क्रेडिट। तुम्हें किसी ने बोला कि कंपनी ने फिक्स एसेट बेचा है, तुमने एंट्री पास कर दी कैश डेबिट और फिक्स एसेट्स क्रेडिट और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन वगैरह एक्स एसेट लॉस इन डिस्पोजल पर। अच्छा, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं सर? क्या ऐसे ही कोई बोलेगा हम कर देंगे? नहीं, हमें वो इनवॉइस देगा, हमें वो एक चीज़ पढ़ोगे गुड्स रिसीव नोट, यानी कि चीज़ें आई हैं उसका नोट देगा। इस तरह के डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी बेसिस पर मैं ऑफिस में बैठकर एंट्रीज पास कर रहा होता हूँ। लेकिन जब मैं कोई एंट्री पास करता हूँ ना, तो मुझे ये नहीं पता होता वाकई में वो चीज़ है या नहीं। मिसाल के तौर पर कंपनी ने दो गाड़ियाँ खरीदी, आपको एक बंदे ने आकर रसीदें दे दी कि ये गाड़ी के कागजात हैं, ये रसीदें हैं, ये देखो ये पेमेंट करी है हमने, ये इनवॉइस है, ये एक्स वाई जेड है। उन बेसिस पर आप अपने पास एंट्रीज रिकॉर्ड कर लेते हो। फिलहाल इस तरह से समझ लो, सिंपल रखने के लिए चीज़ों को। जाकर गाड़ी देखते तो नहीं हो, लेकिन फिर साल के आखिरी दिन कभी कभार कंपनी चीज़ों की फिजिकल वेरिफिकेशन भी करती है। फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि तुम्हारे पास अकाउंट्स में या बुक्स में लिखा हुआ है कि भाई कंपनी के पास 2 लैपटॉप हैं, कंपनी के पास 5 गाड़ियां हैं, कंपनी के पास 2 फैक्ट्रीज हैं। तो रैंडम बेसिस पर ऑडिटर के साथ जाकर ना इसमें से कुछ चीज़ें वेरीफाई करते हो। 5 गाड़ियां मैं अपने पास लिख तो रहा हूँ अपनी अकाउंट्स में बुक्स में, वाकई में है या नहीं जाकर देख लेता हूँ। 3 को देख लेता हूँ रैंडमली, 3 होंगी तो यार 5 ही होंगी, ठीक है ना, एक तरह से यूँ समझ लो। तो इसको हम फिजिकल वेरिफिकेशन कहते हैं। अच्छा, फिजिकल वेरिफिकेशन में और आपके बुक्स के अमाउंट्स में डिफरेंस आ सकता है और उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, क्या ट्रीटमेंट्स होगी, वो हम डिस्कस नहीं करते हैं। हम ऊपर से फिजिकल वेरिफिकेशन को पढ़ रहे हैं। वैसे आप ऑडिट पे और इन सारे पेपर्स में इसकी डिटेल्स में जाओगे। तो जब आपने फिजिकल वेरिफिकेशन करी तो कुछ बातें सामने आई। पहली बात,
टू लैपटॉप्स परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2015 एट अ कॉस्ट ऑफ 245,000 वे विथड्रॉन बाय द प्रोपराइटर ऑन 1 मई 2016 फॉर हिज पर्सनल यूज. मेरी किताबों में, मेरी बुक्स में, मेरी बुक्स में जहाँ पर मैं डेप्रिसिएशन की और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अकाउंटिंग कर रहा था, वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा था कि हमारी कंपनी में दो लैपटॉप्स हैं. वहाँ पर लिखा हुआ रहा था हमारी कंपनी में दो लैपटॉप्स हैं. मैं उसकी डेप्रिसिएशन भी चार्ज करे जा रहा था हर साल. मैं उसको लिख भी रहा था फिक्स एसेट्स में कि भाई ये दो चीज़ें पड़ी हुई हैं. लेकिन जब मैंने जाकर 31 दिसंबर 2016 को देखा कि भाई ये चीज़ें पड़ी हुई हैं या नहीं, तो पता चला कि ये जो दो लैपटॉप्स थे जो मैंने 1 जुलाई 2015 को ख़रीदे थे 2,45,000 रुपये के, वो तो ओनर ले गया है. और कब ले गया? 1 मई 2016 को ले गया है. 1 मई 2016 को ले गया है. इसका मतलब ये हुआ कि सर, ये जो आपने ऊपर एक चीज़ समझ में ये आ रही है कि ये जो 25 मिलियन रुपए की ये जो फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट की अमाउंट है ना, ये गलत लग रही है मुझे. कुछ क्यों गलत लग रही है? इसलिए गलत लग रही है क्योंकि ये जो 25 मिलियन होंगे, इसमें ये दो लैपटॉप्स शामिल करे हुए आपने. हालांकि कंपनी के पास ये दो लैपटॉप्स एग्जिस्ट ही नहीं करते. ओनर जब कोई चीज़ घर ले जाता है तो ड्राइंग्स डेबिट और फिक्स एसेट्स क्रेडिट होता है, करेक्ट? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फिक्स एसेट्स जो है, ये जो फिक्स एसेट्स दिया हुआ है 25 मिलियन का, इसमें कोई मसला है, ठीक है, पहली बात. दूसरी चीज़, जब मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी होगी, जब मैंने अपनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी होगी तो वो भी इस बुनियाद पर करी होगी कि ये दोनों लैपटॉप्स मेरे पास मौजूद है, मेरे पास पड़े हैं. हालांकि वो तो पड़े ही नहीं है, 1 मई के बाद चले गए. तो 1 मई के बाद जब लैपटॉप चले गए तो उनकी डेप्रिसिएशन को भी रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, उनकी डेप्रिसिएशन को भी रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए. अच्छा, डेप्रिसिएशन की कहानी क्या होगी? डेप्रिसिएशन की कहानी कुछ ये होगी कि अगर हम लैपटॉप्स की बात करते हैं, लैपटॉप्स की वर्किंग करते हैं, खरीदे कब थे लैपटॉप्स? 1 जुलाई 2015 को 245,000 में ये लैपटॉप्स खरीदे थे. कंपनी का ईयर एंड कब है? 31 दिसंबर 2015. कंपनी का ईयर एंड कब है? 31 दिसंबर 2015. लैपटॉप्स कब खरीदे थे? 1 जुलाई 2015 को 245,000 के लैपटॉप्स खरीदे थे. कंपनी का ईयर एंड कब है? 31 दिसंबर 2015 को पहली बार ईयर एंड आया होगा. ईयर एंड आया होगा तो उस पर डेप्रिसिएशन लगाई होगी. 245,000 का 20% मल्टीप्लाइड बाई 6/12. हाँ भाई बच्चों, समझ में आ रहे? एक बार ज़रा चैट बॉक्स में लिख कर बता दिया जाए कि तुम लोग सब जिंदा हो या नहीं. 245,000 का 20% मल्टीप्लाइड बाई 6/12 इसलिए क्योंकि आपने लैपटॉप खरीदा है 1 जुलाई को और 31 दिसंबर 2015 को कंपनी का पहला साल ख़त्म हुआ होगा. इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी के इन लैपटॉप्स की जो नेट बुक वैल्यू होगी, कंपनी के इन लैपटॉप्स की जो नेट बुक वैल्यू होगी, किस दिन की नेट बुक वैल्यू 31 दिसंबर 2015 की, वो होगी 220500. अच्छा, फिर मैंने क्या किया? मैंने तो इसका डिस्पोजल या ये ओनर घर ले गया, इसको तो अकाउंट फॉर ही नहीं किया, इस बात को तो कहीं लिखा ही नहीं. तो मैंने अगली बार भी पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी होगी. यानी कि अगली बार जब 31 दिसंबर 2016 आया होगा तो मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी होगी इसका 20% और नेट बुक वैल्यू इसकी आ गई 176,400. जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए था. ये जो 31 दिसंबर 2016 को मैंने पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली, पिछली जो नेट बुक वैल्यू उसका 20% लेकर पूरे एक साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली, ये सही नहीं है. 44,100 की डेप्रिसिएशन सही नहीं है. तो सर, सही क्या होना चाहिए था? सही ये होना चाहिए था कि 31 दिसंबर 2015 वाले दिन लैपटॉप्स की नेटबुक वैल्यू जो है वो 220,500 है. 31 दिसंबर 2015 वाले दिन लैपटॉप की नेटबुक वैल्यू 220,500 है. बट 1 मई तक ये बिजनेस में लैपटॉप चले, 1 मई को तो ओनर अपने घर ले गया था लैपटॉप. 1 मई के बाद तो डेप्रिसिएशन लगनी ही नहीं चाहिए थी. उसूलन तो डेप्रिसिएशन 1 मई तक लगनी चाहिए थी. उसूलन तो डेप्रिसिएशन 1 मई 2015 तक ही 2016 तक ही लगनी चाहिए थी. यानी कि
220,500 इंटू 20% इंटू जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी कि डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए थी 4 महीने की 14,700 रुपये की डेप्रिसिएशन इस साल, 14,700 रुपये की डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए थी इस साल, साल 2016 में। पिछली नेटबुक वैल्यू का 20% इंटू 4/12, क्योंकि मई में वो लैपटॉप चला गया। मैंने डेप्रिसिएशन 2016 में, क्योंकि इसका डिस्पोजल ही रिकॉर्ड नहीं किया, ये बात अकाउंट फॉर ही नहीं करी कि ओनर घर ले गया है, मैंने 44,100 रुपीज़ डेप्रिसिएशन अपनी बुक्स में चार्ज कर दी। इसका मतलब डेप्रिसिएशन कितनी ज़्यादा चार्ज हुई है इस साल डेप्रिसिएशन कितनी ज़्यादा चार्ज हुई हुई है, 29,400 डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज हुई हुई है, 29,400 रुपीज़ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो ओवर बुक हुआ है, 29,400 रुपीज़ डेप्रिसिएशन ज़्यादा बुक हुई हुई है। तो अब सर हम करेंगे क्या, कोई बताएगा क्या करेंगे हम? एक्सेलेंट, हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे 29,400 से, क्योंकि कम करना है, क्योंकि गलत है, क्योंकि ज़्यादा है, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है उसको हमें कम करना पड़ेगा, इसीलिए उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। ये आपकी पहली एंट्री है भाइयों, ठीक है? आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 6,250,000 भी सही नहीं है, वो 29,400 से ज़्यादा है, उसको कम करो। आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर जो है वो भी सही नहीं है लैपटॉप्स की वजह से, 29,400 से उसको भी कम करो। ये पहली एंट्री है जो आप पास करोगे। अच्छा सर, इसके अलावा जब ओनर अपने घर ले जाता है चीज़ें, तो जाहिर सी बात है वो बिज़नेस की वो चीज़ें रहती नहीं हैं। ओनर अपने घर ले गया है, यहाँ पर भी ये लिखा है कि पहली मई वाले दिन ओनर अपने घर ले गया था चीज़ें, तो ओनर घर लेकर गया चीज़ें और पहली मई वाले दिन लेकर गया, उसकी भी कोई एंट्री पास नहीं हुई है, यानी कि ये जो फिक्स एसेट्स 25 मिलियन है ये सही नहीं है। फिक्स एसेट्स जो है वो 25 मिलियन जो है वो सही नहीं है। अच्छा, इन लैपटॉप्स की पहली मई 2016 तक की टोटल डेप्रिसिएशन कितनी होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ लैपटॉप्स टिल 1 मई 2016, पहली मई 2016 वाले दिन जब ये बंदा, जब ओनर अपने घर लेकर चला गया लैपटॉप, उस दिन तक की टोटल डेप्रिसिएशन कितनी थी? साल 2015 की डेप्रिसिएशन 24,500, साल 2015 की डेप्रिसिएशन 24,500 जब आपने ख़रीदा था, उसको इस्तेमाल किया था 2015 में, 2015 की पूरी डेप्रिसिएशन, और 2016 की मई तक की डेप्रिसिएशन, 2016 के मई तक की डेप्रिसिएशन, मई के आगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2016 के मई तक की डेप्रिसिएशन, इन दोनों को ऐड किया तो ये बनता है 39,200। जब आप डिस्पोजल करते हो, फर्स्ट मई वाले दिन आपको एक और एंट्री पास करनी चाहिए थी, वो एंट्री ये पास करनी चाहिए थी कि आप जो है ना वो ड्रॉइंग्स को डेबिट करो। ड्रॉइंग्स क्या होती हैं? जब ओनर अपने घर पर चीज़ें लेकर चला जाए तो उसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करो और फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट को क्रेडिट करो। आपकी बुक्स से 245,000 के, फिक्स एसेट्स हट जाने चाहिए थे, क्रेडिट हो जाने चाहिए थे फर्स्ट मई को। ये एंट्री आपने पास नहीं करी, ये एंट्री एक पास होगी। इससे रेलेवेंट पिछले जितने भी साल हैं उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 39,200 है, उसको डेबिट करना चाहिए था, और ड्राइंग्स का अमाउंट जो है वो इन दोनों के अमाउंट से, यानी कि नेट बुक वैल्यू से डेबिट करना चाहिए था 205,800। तो ये हमारे पास एंट्री नंबर 2 है, ठीक है? ये एंट्री भी पास नहीं हुई हुई है। ड्राइंग्स डेबिट होनी चाहिए थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बुक से निकालनी है तो 39,200 से डेबिट होनी चाहिए थी, और फिक्स एसेट्स को 245,000 से क्रेडिट करना चाहिए था, क्योंकि अब ये फिक्स एसेट्स आपके पास नहीं रहे हैं तो आपको क्रेडिट कर इनको अपनी बुक से निकालना है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर कोई एसेट डिस्पोज ऑफ कर देते हो, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हटा देते हो, उसको डेबिट करना चाहिए, और ड्राइंग्स को डेबिट इसलिए करना चाहिए क्योंकि ओनर अपने घर पर पैसे लेकर गया है। तो ये एंट्री नंबर 1 है,
और ये एंट्री नंबर टू है इस सवाल से, बुलेट नंबर वन से, लैपटॉप्स वाले बुलेट से रेलेवेंट। इसको कॉपी कर लो, एक मिनट और देता हूँ, अच्छे से देख लो, कोई सवाल है तो पूछो, और पिक्चर ले लो, स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लो, स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लो, स्क्रीनशॉट देकर कोई ग्रुप में भी भेज दो ताकि दूसरों का भी भला हो जाए जो अभी क्लास नहीं ले सकते। चलो जी, अगला आगे चलते हैं। अगले पॉइंट में लिखता है, इक्विपमेंट कॉस्टिंग 800,000 परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2014 वाज डैमेज्ड इन रेन इन दिसंबर 2016 एंड वाज स्क्रैप। एक इक्विपमेंट 8 लाख रुपए की हमने 1 जनवरी 2014 वाले दिन खरीदी थी, वो बारिश में डैमेज हो गई और उसको हमने स्क्रैप कर दिया दिसंबर 2016 में। अगेन ये चीज़ ऊपर बुक नहीं हुई हुई है। पहले तो हम सर इसकी टाइमलाइन बनाते हैं। ये जो इक्विपमेंट है ये हमने 1 जनवरी 2014 को ख़रीदी 8 लाख की। पहली बार ईयर एंड कब आया होगा सर? 31 दिसंबर 2014 को ईयर एंड आया होगा। डिप्रिसिएशन कितनी होगी सर? 8 लाख का 20%। नेटबुक वैल्यू बच जाएगी 640। दूसरी बार ईयर एंड कब आया होगा सर? 31 दिसंबर 2015 को। डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 640 का 20%। नेटबुक वैल्यू कितनी आई होगी? इतनी आई होगी। अच्छा, क्योंकि इसने डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं किया तो इसने तो 31 दिसंबर 2016 तक भी पूरी डेप्रिसिएशन लगा दी होगी 5-20% और नेट बुक वैल्यू 409,600। अब आपने ख़रीदा 8 लाख, पहले साल की डेप्रिसिएशन नेट बुक वैल्यू, दूसरे साल की डेप्रिसिएशन नेट बुक वैल्यू, तीसरे साल की क्या डेप्रिसिएशन सही है? 1,0 to 400 सही है? इससे पहले तक तो सही है, मशीन इस्तेमाल में थी, क्या 1,0 to 400 सही है? नहीं सही। क्यों नहीं सही? एग्जैक्टली, उसने बोला था जिस महीने कोई एसेट डिस्पोज ऑफ होगा उस महीने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, और अगर ये दिसंबर में डिस्पोज ऑफ हो रहा है तो इसमें तो दिसंबर की डेप्रिसिएशन भी शामिल है, जो कि सही बात नहीं है। डेप्रिसिएशन दिसंबर वाली शामिल नहीं होनी चाहिए। तो 5,12,000 तक तो कहानी सेट थी। इसके बाद जो डेप्रिसिएशन होनी चाहिए ना, वो 1 दिसंबर तक की होनी चाहिए, या आप कह लो कि 30 नवंबर तक की होनी चाहिए, और वो होनी चाहिए 5,12,000 × 20% × 11/12 938,66.67 की डेप्रिसिएशन होनी चाहिए। इसका मतलब डेप्रिसिएशन कितनी ज़्यादा बुक हुई हुई है सर? एक महीने की कितनी बनती है? 85333.33। डबल एंट्री क्या बात तो पास होगी? डेप्रिसिएशन ज़्यादा बुक हुई हुई है, इसको रिवर्स करेंगे तो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे 85333.33 से, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम करने के लिए इसको क्रेडिट करेंगे 8533.33 से। ठीक है भाई, ये पहली एंट्री हो गई, डन है। नहीं, हमने स्क्रैप कर दी यानी कि फेंक दी, यानी कि अब ये मशीन हमारे पास है ही नहीं, डिस्पोज ऑफ हो गई है। पहली एंट्री तो हमने अपनी डेप्रिसिएशन जो ओवर बुक करी हुई थी, जो डेप्रिसिएशन ज़्यादा बुक करी हुई थी, उसको रिवर्स करने के लिए करी है। पहली एंट्री तो जो डेप्रिसिएशन हमने ज़्यादा बुक कर दी थी ना, उसको रिवर्स करने के लिए करी है। ठीक है, सेकेंड चीज़, अब डिस्पोजल जब किया, जब आपने डिस्पोजल किया,
जब आपने डिस्पोजल करा तो क्या एंट्री पास होगी, डिस्पोजल का मतलब जब आपने एसेट बेचा तो क्या एंट्री पास होगी। जब कोई एसेट हम बेचते हैं तो हम उसको अपनी बुक से निकालते हैं, 8 लाख रुपए का एसेट था, तो फिक्स्ड एसेट जो है वो तो क्रेडिट हो जाएगा 8 लाख से, फिक्स एसेट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 8 लाख रुपए से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिस दिन मैंने डिस्पोज ऑफ करा तब तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी, 160 प्लस 128 प्लस 93866.67। जिस दिन मैंने एसेट डिस्पोज ऑफ करा, जिस दिन मैंने एसेट फेंका, जिस दिन एसेट मैंने बेचा, उस दिन तक की डिप्रिसिएशन 160,000, 128,000 और 93866.67 इन तीनों का सम होगी। 160,000, 128,000 और 93866.67 इन तीनों का सम होगी। जिस दिन मैंने एसेट डिस्पोज ऑफ करा, जिस दिन मैंने एसेट फेंका, जिस दिन एसेट मैंने बेचा, उस दिन तक की डिप्रिसिएशन 381.67 होगी। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट डेबिट हो जाएगा 381.866.67 से। और आपने ये स्क्रैप कर दी, ये चीज स्क्रैप कर दी और इसकी कोई डिस्पोजल की वैल्यू नहीं दी हुई है, डिस्पोजल की वैल्यू नहीं दी हुई है, इसका मतलब ये है कि आपने बस ये फेंक दी, खत्म हो गई, खराब हो गई, तो आपको नुकसान कितना हुआ, जितनी नेटबुक वैल्यू होगी उतना ही नुकसान होगा। मेरी जो नेटबुक वैल्यू है 8 लाख रुपए की कॉस्ट थी और जिस दिन मैंने इसको फेंका तब तक मैं 381.866.67 इसको डिप्रिशिएट कर चुका था, तो 418133.33 इसकी नेटबुक वैल्यू बनी और यही मेरे पास लॉस के बराबर होगा, लॉस ऑन डिस्पोजल 418133.33। ठीक है भाई, ये तीसरी, ये जितनी भी हमने एंट्रीज पास करी ये एक और एंट्रीज यहाँ पर आ गई। इसमें कोई सवाल है तो पूछो वरना कॉपी करो। हर 15 मिनट बाद एटलीस्ट व्हाट्सएप इस पे मैसेज कर दिया करो जूम की चैट में, ताकि मुझे मालूम रहे कि तुम सब जो है साथ हो या नहीं। ठीक है, पिक्चर ले लो उसकी, ग्रुप में भी शेयर कर दो, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। अ मशीन कॉस्टिंग 75,000 इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। लिस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है सर? लिस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो आपके पास एक लिस्ट होती है, जो आपकी बुक्स हैं, बुक्स यानी कि आपकी जो किताबें हैं जहां पर आप बैठकर अकाउंटिंग कर रहे थे, आपकी बुक्स में इस फिक्स्ड एसेट का जो पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है, इसका कोई नाम और निशान ही नहीं था, आपने कभी भी इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया था, लिखा ही नहीं था अपनी बुक्स में, लेकिन जब जाके देखा तो आपको पता चला अच्छा ये फिक्स एसेट भी हमारे पास है, ये तो मैंने कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया अपनी बुक्स में, खरीद कर कोई इस्तेमाल कर रहा है और वो चीज़ जो है उसके बारे में आपके पास नॉलेज ही नहीं है। अ मशीन कॉस्टिंग 75,000 इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स बट हैज़ बीन इन द यूज ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट सिंस 1 मार्च 2016। एक ऐसा फिक्स एसेट था जो सेल्स डिपार्टमेंट 1 मार्च 2016 से इस्तेमाल कर रहा था, 75,000 रुपये उसकी लिस्ट प्राइस थी और आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया था। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वॉज फाउंड दैट द मशीन वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टॉक इन ट्रेड बट नो एडजस्टमेंट वॉज मेड इन दी बुक्स। अच्छा, ये स्टॉक इन ट्रेड जो होता है ना,
स्टॉक एंड ट्रेड क्या चीज़ होती है? जिस चीज़ की आप तिजारत करते हो वो आपकी इन्वेंट्री या स्टॉक कहलाती है। तो फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, वो इतने सारे जो है ना वो फर्नीचर के टेबल्स बनाती है, लैपटॉप के, ये कंप्यूटर टेबल बनाती है। तो एक कंप्यूटर टेबल मैंने अपनी इन्वेंट्री में से उठाया और सेल्स डिपार्टमेंट उसको स्टार्ट कर दिया उसने यूज़ करना 1 मार्च से। उसकी कोई एंट्री नहीं पास हुई है, तो इसका मतलब इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, इसका मतलब ये फिक्स एसेट्स में आया ही नहीं है, इसका मतलब इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या एंट्री पास करेंगे बताओ? बिल्कुल, हम लोग अपने फिक्स एसेट्स को डेबिट करेंगे, फिक्स एसेट्स को डेबिट करेंगे, फिक्स एसेट्स डेबिट हो जाएगा 75,000 से, और हम अपनी इन्वेंट्री जो है उसमें से इसको लेकर आए तो इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देंगे 75,000। क्या और कोई एंट्री पास करनी पड़ेगी? हाँ, डेप्रिसिएट भी करना पड़ेगा। 1 मार्च से तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, तो 1 मार्च से लेकर दिसंबर के आखिरी दिन तक की, यानी कि जनवरी और फरवरी हटाकर सारे महीने आएंगे, 10 महीने की डेप्रिसिएशन भी तो लगेगी। जिसकी एंट्री पास होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अच्छा, एंट्री कितने से पास होगी? एंट्री पास होगी 75,000, 75,000 मल्टीप्लाइड बाई 20% मल्टीप्लाइड बाई 10/12। तो एंट्री जो पास होगी ना वो 12,500 से पास होगी, एंट्री जो पास होगी वो 12,500 से पास होगी, एंट्री जो पास होगी वो 12,500 से पास होगी, एंट्री जो पास होगी वो 12,500 से पास होगी। ठीक है, 75,000 का 20% इंटू 10/12। 10/12 इसलिए क्योंकि 10 महीने की डिप्रिसिएशन लगानी है। आपने ये फिक्स एसेट 1 मार्च को रिकॉर्ड ही नहीं करा था, इसको रिकॉर्ड करा, और फिर अगर रिकॉर्ड नहीं करा था तो उसकी डिप्रिसिएशन भी नहीं लगी थी, वो भी लगा दी। कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ू। अच्छा भाई, अगला क्या है? बुलेट नंबर 2 में लिखते हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ एन असेंबली प्लांट वॉज कंप्लीटेड ऑन 1st December 2016। इंस्टॉलेशन चार्जेस अमाउंटिंग टू 240,000 हैव नॉट येट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ड्यू टू नॉन रिसेप्ट ऑफ द इनवॉइस। प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए, जो प्लांट 1 दिसंबर से काम में आया, उसके लिए 2,40,000 रुपये का खर्चा हुआ है, और वो मैंने खर्चा अपनी बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करा। क्यों? क्योंकि अभी उसकी इनवॉइस नहीं आई है। क्या करेंगे? अगर प्लांट के इंस्टॉलेशन के लिए कोई भी खर्चा किया जाए तो वो फिक्स एसेट्स का पार्ट बनता है, लिहाजा फिक्स एसेट्स को डेबिट करेंगे 2,40,000 से, जो हमने नहीं किया हुआ, हमें करना पड़ेगा, हमें करना चाहिए। ठीक है, फिक्स एसेट्स को डेबिट करेंगे और हम क्रेडिट कर देंगे अपने पेएबल्स को। ये रिकॉर्ड ही नहीं करा था, एक तो ये रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारे पास प्लांट को इंस्टॉल करने का खर्चा है, और प्लांट को इंस्टॉल करने का खर्चा जो होता है वो कैपिटलाइज होता है, और क्योंकि इसको रिकॉर्ड नहीं किया तो मैंने दिसंबर की डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड नहीं करी होगी, तो दिसंबर की डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करेंगे। वो कैसे आएगी? वो आएगी 2,40,000
मल्टीप्लाइड बाई 20% मल्टीप्लाइड बाई 1/12। 240,000 मल्टीप्लाइड बाई 20% मल्टीप्लाइड बाई 1/12। 240,000 मल्टीप्लाइड बाई 20% मल्टीप्लाइड बाई 1/12। हाँ बिल्कुल, रिकॉर्ड तो करना चाहिए ना, क्योंकि इंस्टॉलेशन चार्जेस तो है। तो डेप्रिसिएशन का जो एक्सपेंस बनेगा वो बनता है 4,000। तो हम अपने पास डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 4,000, ये भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 4,000। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 4,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 4,000। ये पॉइंट नंबर 2 के लिए एंट्रीज हो गई। ठीक है, अच्छा पॉइंट नंबर 3 है, एन इनवॉइस ऑफ 683,000 फॉर अ मशीन परचेज ऑन 1st October वाज मिस्टेकनली अकाउंटेड फॉर एज 863,000। बताओ क्या करेंगे? सिक्स एटी थ्री थाउजेंड था, उसको मैंने 863,000 रिकॉर्ड कर दिया। कितना ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया? 180,000 ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। तो 180,000 को रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स ऐसे करेंगे कि हम पेएबल्स जो हैं उसको डेबिट करेंगे 180,000 से, और जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स हैं उसको क्रेडिट करेंगे 180,000 से, बिकॉज मैंने 180,000 ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया है। एक मशीन 683,000 की थी, मैंने उसको 863,000 रिकॉर्ड कर दिया, ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया। तो जितना ज़्यादा रिकॉर्ड किया उसको मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। जितना मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड किया है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। पेएबल को डेबिट करने का मतलब ये है कि पेएबल के बैलेंस को हम कम कर रहे हैं। हमने 683,000 की मशीन खरीदी, देखो इसको यूँ समझ लो, 683,000 की मशीन खरीदी तो एंट्री होनी चाहिए फिक्स एसेट्स डेबिट 683,000, पेएबल्स क्रेडिट 683,000, ये एंट्री पास होनी चाहिए थी। हमने एंट्री क्या पास कर दी? फिक्स एसेट्स डेबिट 863,000, पेएबल्स क्रेडिट 863,000। ये सही एंट्री है, ये होनी चाहिए थी, ये पास कर दी। तो अब इधर से इस पोजीशन पर आने के लिए इतने का रिवर्सल करना पड़ेगा, सही है? हो सकता है, लेकिन इनवॉइस है ना, इनवॉइस लिखा हुआ। अच्छा, और क्या इम्प्लीकेशन होंगी इसकी? अगर हमने फिक्स एसेट ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया था तो डेप्रिसिएशन भी गलत रिकॉर्ड कर दी होगी, और डेप्रिसिएशन भी ज्यादा रिकॉर्ड कर दी होगी। डेप्रिसिएशन कितनी ज़्यादा रिकॉर्ड कर दी होगी? 180,000 इंटू 20% और इंटू अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, यानी कि 3/12। अगर मैंने 180,000 से अपने फिक्स एसेट्स ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिए हैं, तो उन पर 3 महीनों की डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा रिकॉर्ड कर दी होगी, और वो बनती है 9,000 रुपये। तो एक और एंट्री पास होगी, वो एंट्री पास होगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 9,000 और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट 9,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कम करने के लिए। तो ये मज़ीद एंट्रीज थी इस सवाल की। ठीक है भाई, इसको कॉपी करो, एक मिनट पॉज लेते हैं और एक मिनट के बाद मज़ीद काम करते हैं। सर जी, सर अकाउंट पेबल लिखे हैं, पेबल लिखे हैं, एक ही बात है ना? हाँ, अकाउंट्स पेबल नहीं लिखो, पेबल्स लिख दो या पेबल फॉर मशीन लिख दो। अकाउंट्स पेबल जो है वो इन्वेंटरी के लिए यूज हो रहा होता है जनरली लव्स।
चलो जी, मजीद आगे चलते हैं। कॉपी कर लिया, डन है, आगे चलें। अच्छा जी, देखो अब ये सारी कहलाती है एडजस्टिंग एंट्रीज। अब एक एंट्री कहलाती है हमारी क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री साल के आखिर में पास होती है, जिसमें हम जितने एक्सपेंसेस और इनकम्स होते हैं उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं। अच्छा, अब इसके लिए हमें डेप्रिसिएशन की अमाउंट सही वाली कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट सवाल में दी हुई है, जो सवाल में डेप्रिसिएशन की अमाउंट दी हुई है, वो दी हुई है 1250000। ठीक है, सवाल में डेप्रिसिएशन की अमाउंट दी हुई है 1250000। फिर हम इसको चेंज करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे? पहली वाली एंट्री थी उसके हिसाब से हमने 29,400 की डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज करी हुई थी। तो 29,400 में से 1250000 में से 29,400 को हटा देंगे, माइनस कर देंगे। दूसरी वाली जो एंट्री थी उसके हिसाब से हमने 8533 की डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज करी हुई थी, 8533 हटा देंगे। ये एंट्रीज आपके पास होंगी, डेप्रिसिएशन जब जब क्रेडिट हो रहा है यानी कि कम करना है उसको। तीसरी वाली जो एंट्री थी उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस 12,500 का रिकॉर्ड कम हुआ था, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे 12,500। उसके बाद चौथी वाली जो एंट्री थी उसके हिसाब से 4,000 रुपये की डेप्रिसिएशन कम रिकॉर्ड हुई हुई थी, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे 4,000। इसके बाद उससे जो अगली एंट्री थी उसके हिसाब से 9,000 रुपये की डेप्रिसिएशन ज़्यादा बुक करी हुई थी, तो इसको 9,000 से करेंगे कम। यानी कि सही जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा, सही जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा वो 1,219,567 आएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का सही अमाउंट। अच्छा, जो गेन ऑन डिस्पोजल दिया हुआ है, गेन ऑन डिस्पोजल दिया हुआ है वो 58,000 रुपीज़ दिया हुआ है। जो दिया हुआ है गेन ऑन डिस्पोजल, जो गलत हो सकता है या जिसमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती हैं, गेन ऑन डिस्पोजल जो दिया हुआ है हमें, जो गेन ऑन डिस्पोजल दिया हुआ है वो 58,000 दिया हुआ है। इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं? इसमें कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं कि आपके पास एक ट्रांजेक्शन थी जिसमें आपको लॉस हो रहा था चीज़ें बेचने से, और वो जो लॉस हो रहा था ना वो हो रहा था 418,133 का। तो इसका मतलब सारे फिक्स एसेट्स की बात करें अगर, तो आपको तो लॉस हो रहा है 360,133 का। अब इसकी एंट्री क्या पास होगी? जब हम साल के एंड में अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, आगे वाले चैप्टर्स में भी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ोगे, तो हम जितने भी लॉसेस और एक्सपेंसेस होते हैं, ये मेरा एक्सपेंस है, उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर डेप्रिसिएशन का अकाउंट में बनाता, तो मेरे पास जो है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अकाउंट में, यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से 1,219,567 रुपीज़ की वैल्यू आ रही होती, जो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं ना, इसकी एंट्री उसने पूछी है, ये क्लोजिंग एंट्री कहलाती है। तो डेप्रिसिएशन की क्लोजिंग एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या पीएनएल लिख देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,219,567 से, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट सेम अमाउंट से। ठीक है, और जो लॉस हुआ है डिस्पोजल पर उसके लिए अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 360,133,
और जो हमारा लॉस ऑन डिस्पोजल है वो क्रेडिट या डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 360133 से, ये क्लोजिंग एंट्रीज कहलाती है। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, कोई सवाल है तो बताओ, कोई सवाल नहीं है तो नो इश्यूज लिखो। जितने भी लोग ऑनलाइन हो काइंडली एक दो मैसेजेस ग्रुप पर, इस पर ज़रा चैट पर छोड़ो, मुझे पता चले कि तुम लोग जिंदा हो या नहीं। आमना, दानिश, फिजा, हमाद, मोहम्मद, शाहिद, सुबहानी, मुर्तज़ा, उमर, उज़ैर, कॉपी करो, क्लियर है क्लियर नहीं है मुझे बताओ। आवाज़ का कोई मसला, स्क्रीन का कोई मसला, सवाल का कोई मसला, जल्दी जल्दी से बताओ, कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, डेप्रिसिएशन का टॉपिक मुश्किल है, इतने सारे सवाल करवा चुका हूँ, सातवीं आठवीं क्लास है, अभी भी और करवाने हैं, काइंडली थोड़ा सा सीरियस रहो। गेन ऑन डिस्पोजल फिर बता देता हूँ, देखो गेन ऑन डिस्पोजल सवाल में कैलकुलेट हुआ था 58,000, लेकिन इसमें 418133 का लॉस जो है वो शामिल नहीं था, बिकॉज उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। ये 418133 जो है, ये अभी जो हमने सारी वर्किंग्स करी हैं उसमें इसकी एंट्री होगी, तो हमारे पास नेट जो लॉस है वो 360133 का है, और लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, और लॉस ऑन डिस्पोजल या डिस्पोजल अकाउंट जो है इस वैल्यू से क्रेडिट होगा। हो गया भाई,